वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, मैंने कल रात को एक वीडियो पोस्ट किया था जहाँ पे मैंने कियोन पियर्सन की जो उन्होंने ओलंपिया को स्किप किया है इस साल, उसकी अनाउंसमेंट दी थी। कियोन पियर्सन ने ऑल ऑफ अ सडन अनाउंसमेंट दे दी थी कि वो इस साल का मिस्टर ओलंपिया 212 डिवीजन में कम्पीट नहीं करेंगे। ऑफकोर्स ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि शिकागो प्रो को जीतने के बाद कियोन पियर्सन एक काफ़ी डोमिनेटिंग एथलीट थे, टफ कंटेंडर थे फॉर द 212 टाइटल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे हम। जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा होगा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि व्हाई कियोन पियर्सन स्किप द ओलंपिया। सो सिर्फ फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस क्या इतना बड़ा कारण हो सकता है कि एक एथलीट ओलंपिया जैसे कॉम्पिटिशन को स्किप कर दे? जैसा मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि कियोन पियर्सन ने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि वो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, और इसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस साल का ओलंपिया नहीं खेलेंगे। तो क्या फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस इतनी बड़ी चीज़ हो गई है आज के ज़माने में कि सिर्फ एक 25 साल का एथलीट ओलंपिया जैसे कॉम्पिटिशन्स को स्किप कर देता है? ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है जो हमें खुद से पूछना होगा, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि मिस्टर ओलंपिया एक ऐसा कॉम्पिटिशन है जो हर बॉडी बिल्डर का ड्रीम होता है कि वो उस साल जाके मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करे। इवन इंडियन बॉडी बिल्डर्स का भी ड्रीम है कि एटलीस्ट एक मिस्टर ओलंपिया उनको खेलने मिल जाए। जीतना ना जीतना ये काफ़ी दूर की बात होती है, लेकिन मिस्टर ओलंपिया स्टेज पे खड़े रहने का जो एक फीलिंग होती है, एक प्राउड फीलिंग होती है, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने की फीलिंग होती है, वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि सिर्फ 20-25 साल के बॉडी बिल्डर्स IGTV पे आके बताते हैं कि वो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से डील कर रहे हैं और इसकी वजह से वो ओलंपिया नहीं खेलेंगे। मैंने थोड़ा बहुत इसके ऊपर पढ़ा और जितने भी सोर्सेस थे मेरे, उससे मुझे पता चला है कि कियोन पियर्सन और उनके जो ट्रेनर है उनके साथ उनके कुछ नो अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं और उसकी वजह से वो मेंटल स्ट्रेस में चले गए हैं, और ये एक फैक्टर है कि वो इस साल मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपके ट्रेनर आपके साथ नहीं रहेंगे, आपको मेंटली पुश नहीं करेंगे, आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, आपको इनकरेज नहीं करेंगे कॉम्पिटिशन खेलने के लिए, तो आप सोच के देखिए कि आप किस तरीके से वो कॉम्पिटिशन खेलेंगे। कैसे आप सोच सकते हैं कि आप जीतेंगे वो कॉम्पिटिशन? पॉसिबल ही नहीं है। एक ट्रेनर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है। ट्रेनर एक मेंटर की तरह होता है, एक गुरु की तरह होता है, जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है और आपको उस कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर कराता है। लेकिन अगर आपका ट्रेनर ही आपके साथ नहीं खड़ा होगा तो आप कैसे जीत सकते हैं? ये कुछ सोर्सेस से मुझे बात पता चली कि कियोन पियर्सन उनके ट्रेनर के बीच कुछ हो चुका है और उसकी वजह से वो मेंटल स्ट्रेस से डील कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस साल का ओलंपिया नहीं खेलेंगे। मेन क्वेश्चन यह है कि क्या ये उम्र मेंटल स्ट्रेस से डील करने की है? क्या कियोन पियर्सन को एक सैंपल पॉइंट की तरह देख रहा हूं? क्या जितने भी उस एज ग्रुप के हैं क्या वो मेंटल स्ट्रेस से डील नहीं कर सकते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ 25 साल की उम्र में इतना मेंटल स्ट्रेस आ जाता है कि आप मिस्टर ओलंपिया तक स्किप कर देते हैं, जबकि आपको पता है कि कियोन पियर्सन खुद भी जानते हैं कि अगर वो कंपटीशन में कम्पीट करेंगे तो टॉप 3 में तो 100% फिनिश होंगे, क्योंकि उनकी जो फैन फॉलोइंग है, उनकी जो हाइप है वो काफ़ी ज़्यादा है, प्लस उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उनकी मसल मैच्योरिटी कंडीशनिंग भी काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द एथलीट्स। प्लस कियोन पियर्सन एक सिंगल ऐसे बॉडी बिल्डर है, चुनिंदा ऐसे बॉडी बिल्डर है जो 212 डिवीजन में रह के भी वैक्यूम पोस्ट को हिट कर सकते हैं। बाकी मुझे पता नहीं कि कितने ऐसे 212 डिवीजन के बॉडी बिल्डर्स हैं जो वैक्यूम पोस्ट को इतना परफेक्टली हिट कर सकते हैं जितना कियोन पियर्सन हिट करते हैं। सो दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा सवाल है कि एक 25 साल का एथलीट आज मेंटल स्ट्रेस से डील कर रहा है, तो इसके ऊपर हमें सोचना होगा। वेल, कियोन पियर्सन का जैसे मैंने कहा कि हमें उनके सारे डिसीजंस को एक्सेप्ट करना है, उनके सारे डिसीजंस को हमको एक रेस्पेक्टफुल तरीके से देखना है। अगर वो नहीं चाहते कम्पीट करना तो ये उनकी मर्जी है, वो नहीं करेंगे कम्पीट तो ठीक है, अगले साल तक हम वेट करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से आते हैं और परफॉर्म करते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर और थोड़ी रिसर्च करूँ और आपको थोड़ा और इसके ऊपर एनालिसिस बताऊँ कि क्यों इतने यंग एज में एथलीट्स मेंटल स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, और मैं कुछ इसके ऊपर पॉइंट्स भी कलेक्ट कर रहा हूँ और एक जल्दी एक वीडियो आएगी जहाँ पे मैं इस मेंटल स्ट्रेस से कैसे डील किया जाता है इसके ऊपर मैं बात करूँगा। ये स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डिंग से ही रिलेटेड होगा, मैं कुछ जनरल वे में बात नहीं करूँगा। स्पेसिफिकली आप बॉडी बिल्डिंग में जब आप कम्पीट करते हैं तो आपके ऊपर जो मेंटल स्ट्रेस आता है उससे आप कैसे डील करेंगे इसके ऊपर एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा और आप तक पहुँचाऊँगा।
सो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जो मैंने कल वीडियो बनाया था ये उसी का सबसेट है। कियोन पियर्सन ने अनाउंस किया है कि वो इस साल कम्पीट नहीं करेंगे ड्यू टू फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, अगले साल आई होप वो कम्पीट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसी के साथ बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो YouTube पे अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकते हो। एनीवेज दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई एम हर्षल मुदिराज, पीस आउट।